तो बंद कर, ये वाली चल जाएगी। ये क्या कर दिया, कौन सी बंद कर दिया? मैंने कुछ भी नहीं, अपनी बंद की। वो ये इसमें है, अरे ये तो मैंने फोन किया, ये इसमें डालते हैं। ये अपने खोली ना। फोन करूँ क्या? वो खुद कर रहे हैं क्या? खुद कर रहे? नहीं, अच्छा पानी की बोतल का है। है जो ही लेके गया बोतल। नमस्कार प्यारे साथियों, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के ऑफिशियल चैनल के अंदर मैं गोविंद मालविया एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूं इतिहास के कुछ पन्नों को लेकर। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जानकारी होगी कि हम लगातार आपसे पहले राजस्थान हिस्ट्री के बाद में अब भारतीय इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी कड़ी के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से संबंधित टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। हालांकि वो क्लास लगभग 2.5 घंटे की होनी चाहिए थी, लेकिन 2 घंटे ही चल पाई थी। रीजन उसका सबसे बड़ा ये था कि बीच में कुछ इंटरनेट संबंधी समस्या आ चुकी थी, इस कारण से ऐसा हुआ था। एनीवेज, उस बातों को पानी मारिए, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा सिंपल सा ये है कि मेरी क्लास का टाइमिंग हमेशा 1:15 से रहता है, लेकिन आज क्या है कि हमारे टेक्निकल सपोर्ट टीम में एक मेंबर एबसेंट था, तो हमें क्या टेक्निकल चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण से खुद अपने स्तर पर करते करते सीखते सीखते थोड़ा वक्त लग गया। एनीवेज, तो 1:15 से लगाकर 4 बजे के बीच में हमारी डेली क्लास रहती है इसी वक्त, और आज भी क्लास का टाइमिंग वही था, लेकिन 1:30 पे शुरू हो पाई है, इसके लिए तहदिल से माफी। एंड भारतीय इतिहास का सबसे पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पाषाण काल को देखा था, आज हमारा जो टॉपिक होगा वह सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड होगा, और साथ ही साथ ये यू समझ लीजिए इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक माना जाएगा जो आरएस प्री और मेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आप में से कुछ साथी जो पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और व्यवस्थित कोर्स खरीदना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, और गूगल प्ले स्टोर में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। वहां डॉक्टर मुकेश पंचोली सर का ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको मिलेगा, वहां पर उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप 349 में मात्र 350 रुपए में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए साथियों, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वह ये शामिल था कि
कि सबसे पहले हमने पाषाण काल की चर्चा की थी, पाषाण काल या पाषाण युग, जो लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 5000 ईसा पूर्व के बीच में था। ठीक है सब। मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था, और अगर पहली बार आप क्लास में हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो काम हम आज इस साल 2023 में कर रहे हैं उसे 2024 में अगले साल और बेहतर तरीके से करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि इंसान सीख चुका है उस चीज को। तो पाषाण काल तो आदि काल से चलता आ रहा है, स्टोन एज। तो 5000 ईसा पूर्व से लगाकर 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसमें मनुष्य पत्थर का प्रयोग तो करता ही था, लेकिन इस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ में तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसलिए इस समय को, इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं हम। जो कब से कब तक है? 5000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है। इसी काल के अंदर 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में मनुष्य ने तांबे के साथ में और पत्थर के साथ में कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसे हम दूसरे शब्दों में कांस्य युग भी कह सकते हैं। ठीक है। कांस्य युग या ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल का ही एक पार्ट है कांस्य युग, और यही वो समय है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता पहले भी मौजूद थी, बाद में भी मौजूद थी, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता के चरम का समय था, उसके पीक का समय था, सबसे उच्च समय पर वो मौजूद थी। इसलिए मोटे तौर पर पुरातत्व विज्ञानियों ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया है वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में बताया है। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको भली भांति बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी, है ना। एक बार सबको हाय हेलो कर देते हैं। देखते हैं हमारी क्लास में कौन कौन मौजूद है। दिनेश जी, रोहित चारवाल, सुरेश जी दुबे, दुर्वे, आरव, अजय, बीना, आशिक, अजय, आरएस करांझा, रोहित चारवाल, उर्मिला, शिवलाल जी, शुभम, राधा जी शर्मा, कन्हैयालाल जी मीना, निशा कुमारी, आरव कलाल, नरेश मेर्दा, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सभी का स्वागत है, वेलकम है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए,
देखिए, इससे पहले हमने जिस समय को देखा वो समय था पाषाण काल, पत्थर का समय। अच्छा, पाषाणकालीन मानव जिसे हम आदि मानव अर्थात प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और नियंडरथल जैसे नाम देते हैं, आप मुझे बताइए उसकी स्टडी हम कर रहे हैं या वो स्वयं कर रहा है? हम कर रहे हैं ना उसकी स्टडी। जो ऐसा इंसान जो नंगा घूमे, पेड़ों की छाले पहने या किसी भी जानवर को मार के खा ले, उस इंसान को हमारी नजर में हम क्या कहेंगे, सभ्य या असभ्य? आई थिंक असभ्य। ठीक, अब हम पढ़ना चाह रहे हैं सभ्य इंसान को। और सभ्य इंसान कहां रहना पसंद करता है? जहां उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी होती हो, अर्थात सभ्यताओं में। और मनुष्य की सबसे पहली जरूरत भले भूख है, लेकिन बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इसलिए जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं उसे हम नदियों के किनारे पाते हैं। और भारत की सबसे पहली सभ्यता वह है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, चाइना के अंदर चीनी सभ्यता ह्वांगहो यांग्त्से सिक्यांग नदियों के किनारे, जापानी सभ्यता मेकांग नदी के किनारे, दजला फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, डेन्यूब नदी के किनारे रोमन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, उन सारी सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ जो सभ्यता मानी जाती है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसका सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नीचे उसके सब टाइटल के रूप में डाल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, बात एक ही है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी अभी मैंने कहा साथियों, कि सिंधु घाटी सभ्यता हो या कोई भी सभ्यता हो, ये सारी सभ्यता नदियों के किनारे थी, क्योंकि जल है तो कल है। उसी प्रकार से भारत के अंदर जो सभ्यता थी वह भी नदी के किनारे थी। आप तो जानते होंगे कि यहां पर हिमालय पर्वत है और इसी हिमालय पर्वत के बीच से एक नदी निकलती है जो राक्षस ताल और मानसरोवर झील के बीच से निकलती है, और ये नदी सियाचिन ग्लेशियर से होते हुए अनंतराग के रास्ते से, डेरा गाजी खान के रास्ते से, मुल्तान शहर के वेस्ट से होते हुए वह पाकिस्तान के कराची शहर के ईस्ट में मकरान तट पे समाप्त होती है। इस नदी को कहते हैं हम सिंधु नदी। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे जो सभ्यता पनपी उसे हम कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ओनली अगर सिंधु नदी के किनारे होती तो हम उसे सिंधु सभ्यता कहते, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे जो सभ्यता पनपी है हम उसे कहना चाह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता के अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये
वर्तमान परिदृश्य तो इसका फैल रहा है, रोज अलग अलग स्थलों की खुदाई चल रही है, लेकिन वो इतिहास और पुरातत्व विज्ञान ने अभी तक पुस्तकों में शामिल नहीं किया है। इसलिए अभी किताबों में जो वर्तमान में मौजूद है इसका क्षेत्रफल वह है 12,99,600 वर्ग हेक्टेयर, यानी लगभग 13,00,000 वर्ग हेक्टेयर में ये फैली हुई सभ्यता है। इसके आकार में अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो कश्मीर के मांडा से लगाकर मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे, से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सूत का गंडोल, बलूचिस्तान पाकिस्तान में दाश्क नदी के किनारे से लगाकर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दायमाबाद, महाराष्ट्र अहमदनगर, परवरा नदी के किनारे से लगाकर यूपी के आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी, हिंडन नदी के किनारे, इस इलाके में यह सभ्यता फैली हुई थी। इस सभ्यता के अंदर भारत का कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान आते थे। पाकिस्तान के अंदर इसका क्षेत्रफल था, वो था पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के जो है लदमान प्रांत तक फैला हुआ था। लगभग 12,99,600 वर्ग हेक्टेयर में फैली हुई सभ्यता थी। इसका सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, सबसे दक्षिणी स्थल था दायमाबाद, महाराष्ट्र के अंदर, सबसे पश्चिमी स्थल था सूत का गंडोर, बलूचिस्तान में, सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, यूपी में। ये सभ्यता, इसके लगभग 917 स्थल अब तक हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे, हड़प्पा, मोहिंजोदाड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, बनवाली, कोटदीजी, चाहुंदड़ो, सूत का गंडोल, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी जैसे स्थलों की टोटल संख्या कितनी है? 917 स्थल। लगभग 1027 स्थलों पर अभी भी खुदाई चल रही है, कार्य चल रहा है, लगातार काम चल रहा है और लगातार इसकी अभिवृद्धि होती रहेगी। जो जो स्थल सामने आएंगे, जो जो किताबों में बढ़ते जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो स्थल था 1826 ईस्वी में 28 अप्रैल को प्रोफेसर चार्ल्स मेसन द्वारा, जिसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता कहें या ताम्रपाषाण काल कहें या कांस्य युगीन सभ्यता कहें, बात एक ही है, क्योंकि ताम्रपाषाण काल जो कि 5000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में था और इसी ताम्रपाषाण काल का एक पार्ट है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, और इसी काल के अंदर सबसे ज्यादा कांसे का प्रयोग होता था और जो सिंधु घाटी सभ्यता के डेवलपमेंट का समय था। चलिए कुछ लिखते हैं
क्योंकि ज्यादा डेटा आपको देंगे तो शायद आप पगला जाओ, इसलिए लिखना आरंभ करते हैं। लिखिए, आरव कह रहा है कि हमारा तो रिवीजन चल रहा है इसलिए हम कमेंट करेंगे। आरव देखते हैं आपका कैसा रिवीजन चल रहा है और कितना बढ़िया आप पढ़ चुके हैं, देखते हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ। लिखिएगा, लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या ताम्रपाषाण काल या कांस्य युग, लिखिए। अब तक भारत में कुल 917 स्थल खोजे जा चुके हैं, अब तक कुल 917 स्थल भारत में खोजे जा चुके हैं। यह सभ्यता 12,99,600 वर्ग हेक्टेयर में फैली हुई थी। यह सभ्यता 12,99,600 वर्ग हेक्टेयर में फैली हुई थी। नेक्स्ट। हां रोहित, एक क्या दो सवाल पूछो, क्या दिक्कत है? लिखिए, इसका ये डायग्राम बनाइए। सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिण स्थल दायमाबाद, सबसे पश्चिमी स्थल सूतका गेंडोर, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। मांडा जम्मू एंड कश्मीर चेनाब नदी के किनारे, सूतका गेंडोर बलूचिस्तान दासक नदी के किनारे, आलमगीरपुर मेरठ यूपी में हिंडन नदी के किनारे और दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। डायग्राम बना लिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। रोहित चारवाल साहब, मैंने शुरू से कहा है, सबको कहा है कि क्यूरोसिटी है, थोड़े दिन शांत बनाए रखिए। हमें फिल्म शुरू होने से पहले यह पता नहीं चलता कि विलन मरेगा या हीरो मरेगा। फिल्म खत्म होने के बाद में अगर आपके फिर भी सवाल रह जाए तब सवाल पूछ सकते हो, बट अभी तक फिल्म शुरू हुई नहीं है। घोड़ा था या नहीं था, आपको बीच में जवाब बहुत अच्छे से मिलेगा, बहुत अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है? थोड़ा सा बस पेशेंस बनाए रखिए, ओके? चलिए, फिलहाल पेशेंस आपने बहुत बना लिया है और बहुत कुछ लिख लिया है, अब और बेहतर तरीके से समझते हैं। लिखिए, इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा 1826 में खोजा गया था चार्ल्स मेसन द्वारा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा प्रोफेसर चार्ल्स मेसन द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, ठीक है? चले और आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको नॉलेज बहुत सारे लोग दे सकते हैं, सब में मेरे से भी बेहतर नॉलेज हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है,
नॉलेज आपके दिमाग में कैसे छापना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझ चुके होंगे यहां का प्रोग्राम। आगे समझते हैं। देखिए, अभी तक आपने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को किताबों में एक अलग तरीके से देखा होगा। सारी किताबों और गाइड बुक में सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े स्थलों की पहले चर्चा की गई है। ठीक है, बड़े बड़े स्थलों की पहले चर्चा की गई है और बाद में जितने भी छुटपुट बचे हुए स्थल हैं वो सीधे सीधे एक डायग्राम में बना के दिखा दिए गए। ठीक, एक बहुत ही प्यारा सवाल मैंने देखा था रीट में। ये रीट पहले थर्ड ग्रेड होता था। सवाल मस्त था, जूकर और झांगर क्या है? क्या है जूकर और झांगर? ऑप्शंस थे रेगिस्तानी बर्तन, रेगिस्तानी घास, रेगिस्तानी आभूषण या रेगिस्तानी स्थल। ये तरीका रहता है डोकरे का सवाल पूछने का। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। शब्द देखने से बड़ा मजा आता है। चलो लगाओ निशान। समय समाप्त। इसका राइट आंसर है नंबर 4, रेगिस्तानी सभ्यता स्थल है। रीट में पूछा गया था थर्ड ग्रेड में। देखिए, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि किताबों में सबसे बड़े बड़े स्थलों को पहले डिस्कस किया गया है और बाद में छोटे छोटे स्थलों को एक कॉलम में डाला गया है। एक तो तरीका होता है इस सभ्यता को उस तरीके से पढ़ने का जो किताबों में घिसा पिटा पुराना तरीका है, और एक तरीका है इस सभ्यता को एरिया वाइज बांट के पढ़ना कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से स्थल हैं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? अकॉर्डिंग टू बुक, बड़े स्थल पहले बाद में छोटे स्थल, या फिर एरिया वाइज, कौन सा तरीका सही लगता है जरा जल्दी बताना। उसी तरीके से हम भी पढ़ लेंगे। देखिए, एरिया वाइज पढ़ने से फायदा यह मिलता है कि कोई भी स्थल नहीं छूटता, क्योंकि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता से बचकाने अंदाज में सवाल पूछा जाता है तो एक और स्थल दे दिए जाते हैं, दूसरी और एरिया दिया जाता है कि कौन सा स्थल कहां पर है। मिलान करने से रिलेटेड सवाल आता है, मिलान कीजिए। तो जल्दी बताइए हम किस तरीके से इसको पढ़ें।
एरिया वाइज, ठीक है। देखिए हम एरिया वाइज इस स्थल सभ्यता को देखेंगे तो क्या है, कोई भी स्थल छूटने के चांसेस नहीं रहेंगे, और छोटे छोटे स्थलों से मिलान करने से रिलेटेड जो सवाल आता है उसकी परेशानी से हम बच जाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से एरिया में कौन कौन से स्थल हैं वो हमें देखने हैं, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं मैप को, सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र। बलूचिस्तान पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, उसमें से आप बताइए। सबसे पहला स्थल आप बताइए, बोनी आप ही कीजिए, उसके बाद में मैं बताऊंगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, कौन ध्यान से मेरी बात सुन रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में कौन सा स्थल है जो अभी अभी मैं चर्चा कर चुका हूं उस स्थल की, देखते हैं मेरी क्लास में ध्यान से कौन बैठा है या फिर सिर्फ इधर उधर लड़कियां ताड़ने के लिए बैठा है, पता तो चले। बलूचिस्तान पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है? वेरी गुड आरव, सही बोले। सूत का गेंडोर, अभी अभी तो बताया था सबसे पश्चिम स्थल सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर सोत का कोह डाबर कोट मेहरगढ़ खम्मम, ये सारे स्थल कहां हैं? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। सवाल बन सकते हैं, एक और स्थल दे दिए गए, दूसरी और उनकी लोकेशन पूछ ली गई, मिलान कीजिए, मुंह में उंगली डाल के बैठोगे आरव, मजा आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के। लिख डालिए, आपको तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर भी लिखिए आरव, नहीं तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान का एक और क्षेत्र देख लेते हैं, और वो है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल हैं जरा गेस कीजिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सबसे बड़ा स्थल, सबसे शानदार स्थल मोहनजोदाड़ो। चाहुंदड़ो, कोट दीजी, बालाकोट, झूकर, झांगर जो अभी अभी प्रश्न में शामिल थे, झूकर, झांगर, चाहुंदड़ो, मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, बालाकोट, आमरी, अल्लाह दीनो, ये सारे स्थल कहां हैं? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर मौजूद हैं। कोई भी छूटने का चांसेस नहीं रहेगा। हां लिपस्टिक तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन पहले स्थल तो देखो कौन कौन से स्थल है। लिपस्टिक वगैरह हम भी बात करेंगे, लेकिन पहले कौन कौन से स्थल हैं ये पता होना चाहिए आपको। और एलिस्टाइन उत्खनन वगैरह ये छोड़ो, गोली मारो, आप तो इन्हें स्थल याद कर लोगे तो भी गंगा नहाने के बराबर है।
ठीक है, ओके। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हम दूसरी जगह पर जाते हैं और चलते हैं हम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की ओर। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, वहां पर आप एक स्थल याद रखिएगा विशेष तौर से, और वो है हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन सा है? हड़प्पा। नेक्स्ट एरिया की तरफ जाएं तो नेक्स्ट एरिया है आपका, वो है अफगानिस्तान की ओर। अफगानिस्तान में याद रखिएगा शौर्तुघई, लगमान, ये दो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल याद रखिएगा। एक चार्ट बना लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, फायदे में रहोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट एरिया की तरफ चलते हैं। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान हो गया। अब हम चलते हैं भारत के कश्मीर की तरफ। कश्मीर, कश्मीर में याद रखिएगा एक स्थल जो मैंने बताया था आपको अभी अभी, मांडा, सबसे उत्तरी स्थल। इसके अलावा बुरझोम, इसके अलावा लद्दाख, लद्दाख में जो स्थल हैं वह हैं पेरुपई और एक स्थल गुफराकाल। ठीक, चलो लिख लो। डन। अक्षय जी, पायल, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपने घर पे एक चार्ट बना लेना, आरो भैया चार्ट बना लेना और इसको स्थलों को देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है और रिवीजन चला दे आपका एग्जाम में कि पेरुपई कहाँ है और मुंह में उंगली डाल ओ कठू आयो अठू चायो। ठीक है, खम्मम, ऐसा भी सवाल बना सकते हैं, खम्मम कहां है नहीं पूछेंगे, खम्मम क्या है और पूछ ले खम्मम क्या है। पाकिस्तानी खाद्य सामग्री, पाकिस्तानी बर्तन, पाकिस्तानी सभ्यता स्थल। अपन सोचेंगे शायद खम्मन का आविष्कार वहीं पे हुआ है ना, इसलिए रिवीजन छोड़ो पढ़ लो। ठीक है मेरे आरव भैया, इसलिए मैं एरिया वाइज बांट के पढ़ा रहा हूं आपको। चले आगे बढ़े। दुनिया में बहुत सारे संकट आएंगे, बहुत सारी परेशानियां आएगी, ठीक है, लोग डिस्टर्ब भी करेंगे आपको, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, लेकिन हमारा फोकस एक ही जगह पे होना चाहिए। ठीक है,
और जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे वो अपने आप शांत पड़ जाएंगे। कितना लिमिट होती है, करने दो, बस जिसको खुशी इसी चीज में मिल रही है तो उसको खुश होने दो ना। देखिए, सबकी सरकारी नौकरी नहीं लगनी है, लोटा भर के पानी लाने वाला भी चाहिए, ज्ञान कहीं पे भी हो ले लेना चाहिए। मेरे गुरुजी शुरू से यही समझाते थे। अब कुछ और एरिया को बांट के समझते हैं और कहां कहां पर कौन कौन से स्थल हैं वो भी देख लेते हैं। राजस्थान के स्थल तो हम सारे देख चुके हैं राजस्थान की सभ्यताओं के अंदर, इसलिए राजस्थान की सभ्यताओं को तो इस टॉपिक में हम लेंगे नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने इससे पहले बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, लद्दाख वाला क्षेत्र देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्थल, नेक्स्ट एरिया की तरफ, और वो है हरियाणा की तरफ। हरियाणा भारत, हरियाणा में स्थल याद रखिएगा, बनवाली, कोटला निहंगा, मित्ताथल, कोणाल, राखीगढ़ी, ये सारे स्थल कहां हैं? हरियाणा में। ओके, अब चलते हैं हम पाकिस्तान, भारत के पंजाब की तरफ। भारत के पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में एक याद जरूर रखिएगा, रोपड़ या रूपनगर, ठीक है। राजस्थान में आप जानते हैं, बेहतर तरीके से मैं बता ही चुका हूं आपको मैक्सिमम स्थलों के बारे में, फिर भी अगर आप इसी के साथ में ऐड करना चाहते हैं तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देख लीजिए, जिसमें राजस्थान में सबसे प्रमुख कालीबंगन, आहड, गणेश्वर, ये ताम्रपाषाण काल के समकालीन भी आएंगे और कांस्य युगीन सभ्यताओं के समकालीन भी आएंगे, बालाथल, गिलुंड, नगरी, सुनारी, जोधपुरा, ये सारे कहां स्थल हैं राजस्थान में, मैं सारे पढ़ा चुका हूं आपको, आप राजस्थान हिस्ट्री की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। एंड बात करें यूपी वाले क्षेत्र में, तो यूपी, उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा, एक तो मैं पहले ही बता चुका हूं, आलमगीरपुर मेरठ यूपी में, एक है मांडी, कंफ्यूज मत होइएगा, एक है मांडा कश्मीर में, एक है मांडी यूपी में, और एक है सादिकपुर सिनौली, सादिकपुर सिनौली, ठीक है, ये वाले यूपी वाले क्षेत्र है। बात करें नेक्स्ट स्थल एरिया की, और वो है हमारा गुजरात। गुजराती स्थलों में देखो तो गुजरात के स्थलों में लोथल, रोजड़ी, रंगपुर, सुरकोतड़ा, धोलावीरा, ये सारे स्थल हैं गुजराती, ठीक है। महाराष्ट्र में देखना चाहें आप तो महाराष्ट्र में स्थल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के स्थलों में एक तो दायमाबाद और एक है इनामगाम, इतने काफी हैं या 917 सारे लिखवा दूं?
इतने कर लोगे ना अपने आप में गंगा नहाने के बराबर है। एरिया वाइज बताया मैंने आपको, बाकी किताबों के स्टाइल में, सड़ी गली स्टाइल में नहीं कि एक साथ ही डाल दिए। हाँ वो मिलेंगे तब बात कर लेंगे, अस्थि पिंजर फिलहाल तो आप है ना समझ लो सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां फैली हुई थी। मांडी नहीं, मांडी है, मांडी बांडी नहीं। अरे बोला सर जल्दी जल्दी मत करवाओ, दो तीन बार रिपीट करो, कुछ नाम याद नहीं है तो आप तो कह रहे थे मैं रिवीजन कर रहा हूँ। हाँ भाई डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, वाह शानदार, मेरे को तो अभी तक राइटिंग को लेकर किसी ने कंप्लेन नहीं की, आप दुनिया के पहले नागरिक हैं। देखो हरियाणा में बनवाली कोटला निहंगा मित्ताथल कोणाल राखी गढ़ी लिख लिया मैंने, अलग अलग कलर में लिखे उल्टा आपकी सहूलियत के लिए। महाराष्ट्र में दायमाबाद और इनाम गांव, पंजाब में रोपड़ या रूपनगर, राजस्थान में कालीबंगा गिलुंड आहड नगरी गणेश्वर सोनारी बालाथल जोधपुरा, यूपी में आलमगीरपुर मांडी सादिकपुर सिनौली, गुजरात में लोथल रोजड़ी रंगपुर सूरकोतड़ा धोलावीरा, बलूचिस्तान में सूतका गेंडोर सोतका कोह डाबरकोट मेहरगढ़ मेहरगढ़ खम्मम, सिंध में जो है मोहनजोदाड़ो चाहुंदड़ो कोट दीजी बालाकोट झूकर झांगर आमरी अल्लादीनो, अफगानिस्तान में शोर्तगेई लगमान, कश्मीर में मांडा बुरझोम, लद्दाख में पेरुपई गुफराकल। छापो लिखो, हाँ बिल्कुल नोट्स बनाने हैं मेरे भाई, नोट्स बनाने हैं आरबी, आप ही तो कह के नोट्स बनाओ तो बनाओ, फिर आप तो एरिया वाइज लिख लो ना नोटबुक में, मैप पे कुछ नहीं बनाना, एरिया वाइज लिख लो कौन कौन से एरिया में कौन कौन से स्थल है, और अगर पीछे वाला छूट गया तो उसको बाद में लिख लेना। चलो डन, ओके होपफुली आपने कंप्लीट कर लिए ये सारे स्थल, कौन कौन से जगह पर कौन कौन से स्थल हैं। अब एरिया वाइज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए किताबों में जो जिस स्टाइल से लिखा हुआ है और मेरी खुद की ये वाली अलग स्टाइल है इसको पढ़ाने की, इन दोनों को हम मिक्स करके चलेंगे। हम भी बड़े बड़े स्थलों के बारे में अच्छा खासा डिस्कस करेंगे, जैसे कि लाइक सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में हड़प्पा के बारे में डिस्कस करेंगे, लोथल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्थलों के बारे में हम भारी मात्रा में डिस्कस करें, क्योंकि अपने आप में एक सभ्यता स्थल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, अपने आप में एक एक सभ्यता स्थल बहुत बड़ी चीज है। जरा सोचिए हमने राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ी, बहुत डिटेल से पढ़ा कालीबंगा वगैरह, वो का वो अगर यूपी बिहार का लड़का होता तो कालीबंगा को इतने डिटेल से नहीं पढ़ पाता, क्योंकि अपने आप में इंडियन हिस्ट्री थोड़ा सा एरिया वाइज भी थोड़ा सा फोकस करती है।
ओके, जिस एरिया का जो व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग वहां की लोकल हिस्ट्री ज्यादा मैटर करने लग जाती है। तो हम अगर डिटेल्स में देखने लग गए इन सारी सभ्यताओं को, तो अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता अकेला ऐसा टॉपिक है जिसकी खुदाई में लग गए तो समझ लो हमारे लग गए। ओके, दूसरी बात, इसमें कम से कम 15 से 20 घंटे लगते हैं सारी सभ्यता समझने में, और इतना 15 से 20 घंटे लगाना किसी टॉपिक पर मूर्खता नहीं, महामूर्खता है। ठीक है, तो हम एरिया वाइज स्थलों की क्या क्या विशेषता है वो सारी देखेंगे, कौन सी नदी के किनारे हैं, किसने खोज की, कभी सवाल विशेष तौर से नहीं आता। ठीक है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसका आंसर नहीं आता, मुझे तो आता है, लेकिन मैं आपको ज्यादा ओवरडोज देना नहीं चाहता, सेलेक्टिव स्टडी करनी है। आप लोग मुझे कब से कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि फलाने की स्थल की खोज आर्लस्टाइन ने की, यहां से लिपस्टिक मिली। तो भैया हमें जीके पढ़ना है, जीके, न कि हिस्ट्री पढ़नी है, न कि उस पर रिसर्च करना है। किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है ये डिपेंड करता है वहां के जीके पर, समझ रहे मेरी बात। तो एरिया वाइज सबसे पहले हम विशेषताएं देखना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से स्थल की कौन सी विशेषता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान की ओर। बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे पहला स्थल है जिसका नाम है सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर जिसकी 1927 में आर्लस्टाइन ने खुदाई की थी। ये स्थल जो है कौन सी नदी के किनारे, में पहले ही बता चुका हूं आपको, ये स्थल जो है वह दाश्क नदी के किनारे हैं। ठीक है, दाश्क नदी के किनारे हैं ये स्थल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। तो एग्जाम में सवाल क्या बनना है, कौन सी नदी के किनारे या फिर किसने खोज की, ये सवाल नहीं बनने हैं। सवाल क्या बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो सूतका गेंडोर। या फिर इसकी कोई अलग विशेषता है जो अपने आप में मेडन विशेषता है, जो सबसे खास है, तो वो सवाल बन सकता है। ठीक है, तो सूतका गेंडोर के बारे में आप सिर्फ दो पॉइंट लिखेंगे, बाकी को गोली मारेंगे, बाकी नहीं लिखना है कुछ भी। सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, वेस्टर्न प्लेस, वेस्टर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ओके, सबसे पश्चिमी स्थल है, यहां से घोड़े के प्रमाण मिले हैं, घोड़े के प्रमाण, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि बहुत सारी विशेषता है भाई, गेहूं ने, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, इंसान रहेगा तो ठामड़े ठीकड़े तो इतनी विशाल है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। घोड़े के यहां पर अस्थियां मिली हैं, ध्यान रखना, घोड़े के दांत मिले सूत कोतड़ा से, हम बात करेंगे अलग से घोड़े की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लिख लो यहां घोड़े के प्रमाण मिले हैं। यूं तो डिस्कस करने जाऊं तो मैं खुद ASI से हूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग से हूं, तो मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि ये चीजें क्या होती हैं। यूं तो देखा जाए तो सूतका गेंडोर जो है इसकी विशेषता ये भी है कि ये भी एक नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता के 11 प्रमुख नगरों में से एक नगर था। साथ ही साथ यहां पर जो ईंटें मिली हैं वो जिगजैग टाइप की ईंटें मिली हैं, जो थेपी हुई ईंटें हैं, सांचे में ढाली हुई ईंटें नहीं। बहुत सारी विशेषता है, मन के बनाने का कारखाना मिला है, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें हैं। इतना सब स्थलों के बारे में डिस्कस करने जाओगे तो पगला जाओगे। तो घोड़े के प्रमाण मिले हैं, एक याद रखना है। नीचे एक पॉइंट और लिखो, सूतका गेंडोर और सूतका कोह, सूतका कोह, सूतका गेंडोर और सूतका कोह, ये दोनों बंदरगाह थे, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। सवाल ये बन सकता है, दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे, तो इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में तीन बंदरगाह हो चुके हैं। लोथल है ये बंदरगाह, इसके अलावा सूतका गेंडोर एंड सूतका कोह, तीन बंदरगाह हो चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। लिख लो, सूतका गेंडोर एंड सूतका कोह तीनों बंदरगाह थे। डन, सूतका गेंडोर और सूतका कोह तीनों बंदरगाह थे।
लिख लिया, सोतका गेंडोर, सोतका कोहो, लोथल, तीनों बंदर कहा थे। अच्छा लोथल कहां है, वेर इज लोथल लोकेटेड, लोथल कहां है, कौन बताएगा? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदर का लोथल कहां था? ऐसी चीजें याद रखिए, रिपीटिशन रिवीजन तो गया, लोथल कहां था बताइए। वेरी गुड, गुजरात, शानदार। हां ये चीजें आप याद रखिए, नाइस 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 नाइस। चले आगे बढ़ते हैं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के और स्थलों में याद रखिएगा, एक तो हमने देखा यहां पर कौन कौन सा, एक तो सूतका गेंडोर जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, सबसे पश्चिमी स्थल है, एक सोतका कोह जहां से जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ये दोनों पोर्ट थे। डाबर कोट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लोकेशन काफी है। मेहरगढ़, मैंने दो विशेषता इसकी पहले ही आपको पाषाण काल में बता दी थी, पहली विशेषता इसकी सबसे ज्यादा अस्थि पिंजर यहां से मिले हैं, हड्डियों के ढेर मिले हैं, साथ ही साथ मेहरगढ़ में नारी मूर्ति मिली है हड्डियों की, जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, और मेहरगढ़ में सबसे प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिलते हैं। खम्मम को छोड़िए, गोली मारिए, खम्मम भी एक स्थल है, इतना याद रख लोगे काफी है अपने आप में, ये दोनों स्थल आपकी नजर में बहुत नए हैं, तो इनकी लोकेशन याद रह जाएगी, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें डिस्कशन कहां करना है, सिंध प्रांत के स्थलों पर डिस्कस करना है, जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की भारी मात्रा में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलें अब चलते हैं हम पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर। सिंध प्रांत में सबसे पहला स्थल आता है मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, इनको बाद में देखेंगे, कोट दीजी, बालाकोट, झूकर, जांगर, आमरी और अल्लाधीनो, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के प्रमुख स्थलों में से है। ठीक है, लिखिए कोट दीजी के बारे में, कोट दीजी, कोट दीजी लिखिए, कोट दीजी से कपास के प्रमाण मिले हैं। किसी ने मोहनजोदड़ो मूवी देखी क्या? मोहनजोदड़ो उस मोहनजोदड़ो फिल्म में इस कोट दीजी का डिस्कशन आता है ना, वैसे डायरेक्टर टैलेंटेड था भाई आशुतोष गोवारीकर, उसने उस फिल्म में कोट दीजी का भी डिस्कशन किया है, जिसमें वो प्रधान माहम का मुकुटधारी का बेटा वो होता ना मुंजा, वो कहता है कि कोट दीजी से आई कपास की गोनियों की दो लाज वर्द दूंगा, नहीं तो सौदा रद्द समझो। तभी तो ऋतिक रोशन शर्मन से उसकी भिड़ंत हुई थी। लिखे कोट दीजी से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। देखो बालाकोट एक पाकिस्तान के उत्तर में भी है, जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हाँ पूजा हेगड़े वाली, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ये वो बालाकोट नहीं है, वो बालाकोट तो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में है, जहां पर पाकिस्तान के पेशावर के नजदीक है, ये बालाकोट कराची शहर के वेस्ट में है बालाकोट। तो पूछा जा सकता है बालाकोट सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहां था, तो आपका आंसर होगा सिंध। ठीक, झूकर जांगर लिख लो दोनों के बारे में, दोनों ट्विन गांव हैं, लिखो झूकर जांगर आमरी, झूकर जांगर और आमरी तीनों ग्रामीण बस्तियां थी, झूकर जांगर आमरी तीनों ग्रामीण बस्तियां थी। झूकर जांगर आमरी तीनों ग्रामीण बस्तियां थी, तीनों ग्रामीण बस्तियां थी, झूकर जांगर आमरी तीनों ग्रामीण बस्तियां थी। नेक्स्ट अल्लाहदीनो, 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 अल्लाहदीनो से
एक खिलौना गाड़ी मिली है, खिलौना गाड़ी जिसमें एक मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है जिसके पहिए थे और उसके बैल भी बने हुए थे। खिलौना गाड़ी कहां से मिली है? अल्लाह दीनों से, याद रखिएगा। इन्हें इसका मतलब साफ है कि ये भी व्यापार करते थे बैलगाड़ियों से, अल्लाह दीनों से पता चलता है। लिखो, आमरी से नील की खेती के प्रमाण मिलते हैं, आमरी से नील की खेती के प्रमाण मिलते हैं। नील की खेती, नील समझते ना, उजाला सुप्रीम, चार बूंदों वाला। नील की खेती के प्रमाण मिलते हैं आमरी से, उस फिल्म में भी जिक्र आया है। इसी आमरी गांव से तो ही ऋतिक रोशन आता है शर्मन, और नील लेकर आता है मोहनजोदाड़ो में बेचने के लिए। तो इतिहास पढ़ के उस बंदे ने कल्पना की है, बहुत अच्छी फिल्म है, देखनी चाहिए आपको। नील की खेती के प्रमाण मिले हैं। अब लिखो चाहुंदड़ो, 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 ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। 1931 में प्रोफेसर मजूमदार साहब ने इसकी खोज की थी, 1931 में प्रोफेसर मजूमदार साहब ने खोज की थी। चाहुंदड़ो की खोज वगैरह गोली मारिए, सीधा सीधा पॉइंट पे आइए। लिखो चाहुंदड़ो, चाहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, चाहुंदड़ो। देखिए चाहुंदड़ो मोहनजोदाड़ो अलीबन जोदाड़ो, ये सारे सिंधी वर्ड हैं, ठीक है। और इन तीनों स्थलों से भारी मात्रा में कंकाल मिले हैं, भारी मात्रा में लाशें ही लाशें मिली हैं, कंकाल भारी मात्रा में। ठीक है, लाशों के ढेर मिले हैं, इसलिए इन तीनों को मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। मृतकों का टीला केवल मोहनजोदाड़ो को नहीं कहा जाता, चाहुंदड़ो भी मृतकों का टीला है, अलीमन जोदाड़ो भी मृतकों का टीला है, जहां पे भारी मात्रा में कंकाल मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने की वजह अकेली भूकंप या बाढ़ वगैरह नहीं थे। और फिल्म मोहनजोदाड़ो में जो दिखाया गया कि अंतिम समय में बाढ़ आई थी इसलिए मोहनजोदाड़ो नष्ट हुआ, तो ऐसा भी नहीं है। डायरेक्टर ने वहां पर जानबूझ के या पता नहीं बेवकूफी से मूर्खता की है। मोहनजोदाड़ो नष्ट हुआ था भयंकर बीमारी से, यानी महामारी से, शायद कोरोना जैसी भयंकर बीमारी फैली थी, इस वजह से मोहनजोदाड़ो नष्ट हुआ था, ऐसा पुरातत्व विभाग का मानना है। अगर बाढ़ आई होती तो सब कुछ बह के ही चला जाता, ठीक है। तो लिखो चाहुंदड़ो को भी मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है, चाहुंदड़ो को भी मृतकों का टीला या मोहनजोदाड़ो का टीला कहा जाता है। हाँ, मजूमदार साहब ने की है भाई साहब, अब रहने दो ना यार, मजूमदार साहब को गोली मारो, क्या करना है इतना। मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला कहा गया है, सबने अलग अलग रीजन बताया है। आरव मेरे भाई, इंटेलिजेंट प्राणी, मुझे पता है, मेरा क्यूट सा साथी, एक बात बताऊं मैं आपको, सब स्थलों के नष्ट होने के अलग अलग रीजन है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का अलग अलग रीजन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता, अलग अलग नगर है। यू मान लीजिए वो आज के जमाने के उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर है, ठीक है। तो उदयपुर, आप थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कीजिए, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, मैं खुद पुरातत्व विज्ञानी हूं इसलिए बेहतर समझता हूं इन चीजों को। क्या उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एक साथ शुरू हुए थे, एक साथ बसाए गए थे, या एक साथ खत्म होंगे? अलग अलग समय पर खत्म होंगे ना। तो ये वो समय है जो जब इन शहरों के पीक का समय है, तो हर स्थल एक ही समय पर नष्ट नहीं हुआ, एक साथ कोई सिंधु घाटी सभ्यता पर आके बॉम्ब नहीं गिरा था, समझ रहे हैं? कुछ लोग पलायन कर गए थे किसी शहर के, कुछ लोगों में वहां पर भूकंप आ गया था तो दूसरी जगह पर बस्तियां बसा दी थी, कहीं पे बाढ़ आई थी तो कहीं और जगह पर चले गए थे। अगर अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई तो इस तरह से समझिए, जैसे कि ये नदी जा रही है, इंसान की फितरत होती है
कि वो नदी के किनारे रिवर फ्रंट मकान बनाता है, तो मकान बनाने के लिए उस पर रेती गिट्टी तो डालेगा ना वहां पे, तो नदी बेचारी क्या करेगी, धीरे धीरे यहां बहना स्टार्ट कर देगी, अपना रास्ता बदलेगी, फिर मकान यहां बना लेंगे, फिर वो इधर बहेगी, फिर यहां मकान बना लेंगे। तो मूल बस्ती, प्राचीनतम बस्ती कहां, यहां थी, लेकिन अब शहर वहां तक आ गया। समझ रहे मेरी बात को? तो ये सभ्यता स्थल नष्ट हो गए, ऐसा भी नहीं है कि सारे नष्ट हो गए, बहुत सारे स्थल है जो आज भी चलते हैं, जैसे जस्ट लाइक नगरी चित्तौड़ में है, लेकिन चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है, नगरी, वो तो आज भी चल रही है। जैसे आहड़, तो आहड़ सभ्यता थी, तो क्या वर्तमान में उदयपुर आहड़ नहीं था? बात समझ में आई? वो वाली चीज है यहां पर। लिखो चाहुंदड़ो, मोहनजोदाड़ो, अलीवनजोदाड़ो, ये तीनों मृतकों के टीले या मुर्दों के टीले हैं। मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला है, यानी यहां भारी मात्रा में कंकाल मिले हैं, यहां पे कोविड जैसी कोई बीमारी चली थी। नेक्स्ट, चाहुंदड़ों से लिपस्टिक लाली, होठों पे लगाने की लाली भारी मात्रा में मिली है। लिपस्टिक नहीं, यहां पर मन के बनाने का कारखाना भी भारी मात्रा में मिला है। आप सोचिए हमारे पूर्वज कितने इंटेलिजेंट थे, कितनी डेवलप सभ्यता थी। जब दुनिया नंगी घूम रही थी ना, पेड़ों की छाले लगाती थी, उस समय भारत में सभ्यताएं थी। एक गाना भी है महेंद्र कपूर साहब का जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, महेंद्र कपूर साहब सिंगर, नाम सुना है महेंद्र कपूर, मेरे सबसे फेवरेट सिंगर हैं महेंद्र कपूर साहब। महेंद्र कपूर साहब का एक बहुत प्यारा गाना है, आपने सुना होगा, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। एक ऐसा भी और इनका गाना है, वो है, मेरी आवाज तो सुरीली नहीं है, ऐसे ही बस बतिया लेता हूँ, गा नहीं लेता हूँ, बतिया लेता हूँ। गाने के बोल इस प्रकार से है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा मेरे भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव वो भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया, भगवान करे ये ऐसे ही बढ़े, बढ़ता रहे और फूले फले, है प्रीत जहां की रीत, जहां मैं गीत वहां के सुनाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, मैं भारत की बात सुनाता हूं, आपको वही सुना रहा हूं, आपको भारत की बात, कि भारत क्या था। जब दुनिया जंगलों में घूम रही थी, तब हिंदुस्तान में क्या थी, सभ्यताएं, मतलब सभ्य लोगों की बस्तियां, और वो भी ग्रामीण नहीं, नगर, इतने शानदार नगर कि वर्तमान में उनके स्ट्रक्चर के सामने पेरिस भी पानी भरता है, इसलिए शायद पढ़नी पड़ती है ये सभ्यताएं। तो हम नगर नियोजन भी अलग से देखेंगे। यहां पर चाहुंदड़ों में लिपस्टिक का कारखाना मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला है, आभूषण बनते थे भारी मात्रा में। मैं बात कर रहा हूं आज से 3770 साल पहले के नगरों की बात कर रहा हूं। चलिए, नाउ हेडिंग मोहनजोदाड़ो। मैं दिखाता हूं आपको मोहनजोदाड़ो फिल्म, मोहनजोदाड़ो कहां है लोकेशन मोहनजोदाड़ो की, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, ठीक। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा का शब्द है,
जिसका अर्थ होता है मृतकों का या मुर्दों का टीला। जोदाड़ो शब्द लगा है मतलब मृतकों का टीला, मौत का टीला, मोहनजोदाड़ो मौत का टीला। टीला क्या चीज होती है समझना। जैसे मान लीजिए आज आप जिस मकान में रह रहे हैं, आने वाले समय में 100-200 साल बाद तो वो टूटेगा, तो उसका मलबा आप क्या करेंगे? कई ट्रक भर के कहीं और तो ले जाने से रहे, क्या करेंगे? नेक्स्ट कोई भी आएगा उस पर मकान बनाएगा, उस बहुत सारा नियम में, फिर 100-200 साल बाद में टूटेगा और मलबा आएगा बाकी सारा नीचे, 200-300 साल बाद में और टूटेगा मलबा नीचे। ये एक तरह से हाइट लेता रहेगा। अब इसमें से सबसे पुराना मलबा कौन सा है? नीचे वाला। सबसे नया कौन सा है? ऊपर वाला। तो इस प्रोसेस में, क्या 1000-2000 साल लगे? युगों युगों से ये प्रोसेस चल रही है, समझ गए? जितना गहराई में खोदेंगे उतनी गहराई में वहां पर प्राचीनतम सभ्यताओं के अवशेष मिलते जाएंगे। ज्यादा दूर क्यों जाते हो? अपने घर के पास ही देख लो। आपके घर कोई पुराना घर है क्या? आपकी ज्यादा उम्र नहीं होगी मेरे ख्याल से, मैं सारे के सारे आई थिंक 15 से 30-35 के बीच के होंगे। आपने पुराने घर में देखा होगा, जब आप पुराने घर में रहते थे, आज भी अगर रहते हो, तो तब जब छोटे थे तब आपके घर की 2-3 सीढ़ियां दिखाई दे रही थी, लेकिन आज देखिए किसी किसी का घर तो फ्लैट ही हो गया, किसी का घर अंदर तक चला गया है ना। ज्यादा नहीं 25-30 साल में इतना अंतर आ सकता है, तो सोचिए 3-4 हजार साल में कितना अंतर आएगा, अंदाजा लगाइए। अगर अभी भी बात समझ में आपको नहीं आई है, तो घर पे पुराना बिस्तर है क्या? बिस्तर, पुराना बिस्तर, कपड़ा बिस्तर, कपड़े का बिस्तर, अक्सर मम्मी बनाती है ना, पुराने कपड़े फट जाते हैं तो उसका बिस्तर बना देती है, वो बिस्तर कभी फटा भी होगा और अपनी पुरानी चड्डियां भी नजर आई होगी, और उसको देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम में ऐसा था। तो हम जब भी सभ्यताओं की बात करते हैं, हम पुरातत्व विज्ञानी, तो वहां पर शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रमाण, प्रमाण। ये नहीं कहते कि यहां से बर्तन मिला, हम कहते हैं बर्तन के प्रमाण मिले। मतलब हमें एक ठीकरा मिलता है, इस तरह का ठीकरा, ठीकरा यू नो टुकड़ा, तो उस ठीकरे को हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस टाइप का कोई बर्तन रहा होगा, समझ गए? हमें कोई पहिया मिलता है तो उस पहिए से अनुमान लगा लेते हैं कि इस टाइप की कोई गाड़ी रही होगी। अब ये नीचे वाली लेयर्स में जो मकान टूटे, वो मकान वैसे के वैसे तो नहीं होंगे ना, उसकी दीवारों के टुकड़े मिले हमें, इससे अनुमान लगाया गया कि इतनी पुरानी बस्ती है, वो भी कार्बन 14 से। तो मोहनजोदाड़ो के डेवलपमेंट का जो समय है वो 2350 से 1750 का है। तो क्या इससे पहले मोहनजोदाड़ो में बस्ती नहीं थी? नीचे कोई लेयर्स नहीं था? क्या इसके बाद कोई बस्ती नहीं थी? थी, अभी भी तो है बस्तियां, लेकिन मोहनजोदाड़ो के डेवलपमेंट का जो समय है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। अब दिमाग के खोपचे में बात बैठी आपके, क्या अक्सर असल में सभ्यता क्या चीज होती है? पहले सभ्यता को समझ तो जाओ, आप खाली रट्टा लगाते हो। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और मोहनजोदाड़ो को सही ढंग से समझते हैं।
मोहनजोदड़ो को बहुत डिटेल से समझते हैं, क्योंकि यहीं से डिटेल से सवाल आएंगे। एक बात दिमाग में बिठा लो, पुरातत्व विभाग को, पुरातत्व विज्ञानियों को सबसे ज्यादा जो प्रमाण मिले हैं, 70% जो प्रमाण मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाए जाते हैं, उसको अकेला मोहनजोदड़ो कवर करता है। बाकी 30% प्रमाण अन्य स्थलों से, यानी आजकल आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितना भी जानते हो ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो को पढ़ना अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता को 70% कवर करना है, अपने आप में ये एक मेडन स्थल है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में हम सबसे ज्यादा जो डिटेल्स में पढ़ेंगे वो मोहनजोदड़ो को ही पढ़ेंगे सबसे ज्यादा डिटेल्स में। और आपको, आपने अक्सर अगर किताबें देखी हो तो सबसे ज्यादा डिटेल जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो बुक्स होती हैं उसमें सबसे ज्यादा डिटेल्स इसी मोहनजोदड़ो की ही मिलती है। हालांकि हम मोहनजोदड़ो कभी गए नहीं और पाकिस्तान सरकार वीजा देगी भी नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इसको पढ़ने के बाद में आपका खुद का मन करेगा कि काश हम मोहनजोदड़ो एक बार देख के आए, समझते हैं मेरी आंखों से मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, ये सिंधी भाषा का शब्द है। इसी मोहनजोदड़ो को सिंध का गुलाब भी कहते हैं, सिंध का गुलाब। और पाकिस्तान का नखलिस्तान भी कहते हैं, पाकिस्तान का नखलिस्तान। यानी रेगिस्तान में भी एक जन्नत जैसा, स्वर्ग जैसा, पाकिस्तान का नखलिस्तान या सिंध का गुलाब भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो मुख्य नदी सिंधु के तट पे था, सिंधु नदी के तट पे था मुख्य नदी। मोहनजोदड़ो की खोज अगर बात करें तो इस पर अलग अलग समय में अलग अलग पुरातत्व विज्ञानियों ने रिसर्च कर रखा है। सबसे पहले 1922 के अंदर स्टार्ट किया था प्रोफेसर आर डी बनर्जी, पूरा नाम लिखेंगे हम राखल दास बनर्जी। बनर्जी साहब के बाद में यहां पर प्रोफेसर सर जॉन मार्शल ने भी रिसर्च किया, माधव स्वरूप वत्स ने भी रिसर्च किया, मोर्टिमन व्हीलर ने भी रिसर्च किया, आरसी मजूमदार साहब ने भी रिसर्च किया, लेकिन लाल साहब ने भी रिसर्च किया, लेकिन आपको सिर्फ क्या याद रखना है, प्रोफेसर आर डी बनर्जी राखल दास बनर्जी याद रखना है, लिख लो। मर्दों का टीला नहीं, मुर्दों का टीला। मर्दों का टीला कैसा हो? ठीक है, मर्दों का टीला। हाँ जी कुमावत मैडम, बिल्कुल लिख लिया। चले आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की विशेषताएं देखते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोहनजोदड़ो, विशेषताएं। देखिए, किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता में दिमाग में बिठा लीजिए, अभी मैं बार बार इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो हैं दो पार्ट होते हैं स्थल के, दो पार्ट। एक तरफ होता है निचला नगर और एक तरफ होता है उच्च नगर। निचला नगर, लोअर सिटी,
और एक होता है उच्च नगर। जो टीला हाइट में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है, वो है उच्च नगर। हाइट में है इसका मतलब वहां के मकान भी हाइट में रहे होंगे क्योंकि मलबा ज्यादा है। और उच्च निचला नगर जहां जो टीला चौड़ाई में ज्यादा है और हाइट में कम है वो है निचला नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं वो दो भागों में हैं, दो भाग में, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नगर दो भाग में, एक नगर अपवाद है। यहां पर कमेंट में नीचे लिखना कौन सा नगर तीन भागों में है। आरव ने तो बहुत सारा पढ़ा रखा है, रिवीजन चल रहा है, तो मैं सबसे पहले मौका आरव को ही दिए देता हूं, देखते तो सही। बताएं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर है जो तीन भागों में बटा हुआ है, बाकी सारे नगर दो भागों में। कमेंट में जरूर लिखना जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है उसके लिए। आरो भैया कहां हो, चलो और भी सबको मौका है, कौन बताएगा इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर है जो तीन भागों में बटा हुआ है। देव बाबू ने आंसर दिया धोलावीरा, शानदार 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 शानदार। विनोद कवर भी कह रही है धोलावीरा, शानदार। कविता लोथल नहीं है, धोलावीरा है, धोलावीरा तीन भागों में, धोलावीरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। धोलावीरा तीन भागों में है, शायद मैंने राजस्थान हिस्ट्री में बताया था इस कारण से आपके दिमाग में रह गया हो, या शायद आपने सेल्फ से पढ़ा हो। धोलावीरा के दो निचले नगर हैं, ध्यान रखना, दो निचले नगर हैं और एक उच्च नगर है। समझ गए, तो इस तरह से दो भागों में बटे हुए थे। लिख लो, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नगर मोहनजोदाड़ो भी, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नगर मोहनजोदाड़ो भी, मोहनजोदाड़ो भी, मोहनजोदाड़ो भी दो भागों में बटे हुए थे, बड़ा और चौड़ा टीला, बड़ा और चौड़ा टीला, बड़ा और चौड़ा टीला निचला नगर कहलाता था, निचला नगर कहलाता था। ये मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब आप ये समझिए कि मैं इसमें हड़प्पा भी शामिल कर रहा हूं, कालीबंगा भी शामिल कर रहा हूं, सारे स्थल शामिल कर रहा हूं जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं, ठीक है। बड़ा और चौड़ा टीला निचला नगर कहलाता है, ऊंचा टीला, ऊंचा टीला हाइट वाला टीला उच्च नगर कहलाता है, उच्च नगर कहलाता है। मैंने जो कालीबंगा की विशेषताएं लिखवाई वो सारी की सारी विशेषताएं यहां पर ऐड कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, देखिए इसके, इस सभ्यता के या किसी भी स्थल के उच्च नगर और निचले नगर के बीच में से नदी निकलती थी, ठीक है, और इन नगरों के चारों तरफ एक परकोटा था, दीवार थी, मैंने कालीबंगा में भी बताया था आपको, और इस नगर के चारों तरफ भी परकोटा एक दीवार थी, यानी दोहरी रक्षा प्राचीर थी, दोहरी रक्षा प्राचीर थी, रक्षा प्राचीर थी, ठीक है।
चलिए लगे हाथों एक नोट डालिए, धोलावीरा तीन भागों में बटा हुआ था। धोलावीरा, नहीं तो आप गड़बड़ कर बैठोगे, धोलावीरा तीन भागों में बटा हुआ था, दो निचले नगर एक उच्च नगर, दो निचले नगर एक उच्च नगर। ठीक है, दो निचले नगर एक उच्च नगर है ना, उनकी जो सड़कें हैं वो 90 डिग्री का एंगल क्रॉस करती थी। जैसे ये नगर है, एक सेकंड, जैसे ये नगर है ठीक है, तो इस नगर के अंदर जो एंगल बनती थी वो सड़कें इस प्रकार से क्रिस क्रॉस करती थी, 90 डिग्री के एंगल से क्रॉस करती थी। जैसे सपोज करो ये लाइन ठीक है, ये रोड इसके साथ साथ में ये सटी हुई, ये रोड ठीक है, इसके साथ साथ में ये रोड, इस प्रकार से। एक व्यवस्थित नगर था ये, अब इसमें ये सिस्टम था, जैसे ये मेन रोड, इस प्रकार से अब ये सिस्टम आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सेक्टर प्रणाली हो, जैसे सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4। आज भी ऐसा सिस्टम नहीं होता, एक व्यवस्थित सुनियोजित, सुनियोजित वेरी प्लान, सुनियोजित सुव्यवस्थित, ये सिस्टम कहलाता है ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली पर बटा हुआ था, जिसे हम शतरंज प्रणाली भी कह सकते हैं। लिख लो, नगर ग्रिड प्रणाली पर सुनियोजित ढंग से बटा हुआ था, सुनियोजित ढंग से बटा हुआ था, ग्रिड प्रणाली पर आधारित सुनियोजित ढंग से बटा हुआ था। बिल्कुल इंडिया में वर्तमान में चंडीगढ़ को छोड़ के ऐसा कोई भी नगर नहीं है जो पूरा प्लान के साथ में बसाया हुआ है। हम बात कर रहे 3770 साल पहले के हमारे नगरों की जो इस तरीके से बसाए गए थे। अब आप सोचिए कितने शानदार तरीके से ये नगर थे। अब इसमें भी एक विशेषता इनकी अनोखी है, जैसे कि इनका जो प्लान के साथ में जो नगर बसा रखा है ना, अब जैसे सपोज करो इसमें से एक ये सेक्टर है, तो सेक्टर एक ये है तो इसकी जो सड़कें हैं वो भी एक जैसी होगी, गलियां भी एक जैसी होगी। अब इसमें गलियां भी इस तरह से इन्होंने बना रखी थी, आप यकीन कीजिए उस पे कि जैसे ये गली है तो इस प्रकार से, इस प्रकार से गलियां बनी हुई थी। ये एक सेक्टर है तो गलियां यहां पे। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि इधर से इनकी मेन रोड निकल रही है, ये मेन रोड है, मुख्य सड़क है ठीक है, और गलियां कहां है? इस मुख्य सड़क के ऑपोजिट। यूं समझ लीजिए ये रोड है तो गलियां इधर इस साइड में, ठीक है। अब अगर गलियां यहां पे हैं तो मकान कहां बनेंगे? गलियों में, इस प्रकार से। और यदि मकान इस साइड में बनते हैं तो कोई भी मकान का दरवाजा, खिड़की, रोशनदान मेन रोड की तरफ नहीं खुलेगा, गलियों में ही खुलेगा। अब सोच रहे होंगे आपके इससे क्या फायदा मिलता है? भाई फायदा सीधी सी बात है, बाहर से जो धूल मिट्टी उड़ के अंदर आती है, खाने में गिरती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं मेन रोड की तरफ। आजकल सबको दरवाजा, खिड़की, रोशनदान चाहिए, स्पेशली किचन। आप सोचिए किचन में वो गंदी सामग्री, बाहर की धूल मिट्टी उड़ेगी, इंसान वैसे आधा बीमार वैसे ही पड़ेगा। अगर सेक्टर एक जैसा है तो सबके घर भी एक जैसे, घर एक जैसे तो इंसान भी एक जैसे।
यानी भाईचारे और प्रेम से रहते थे। आज कंपटीशन किस बात का है लोगों को, उसका घर ऐसा मेरा ऐसा क्यों नहीं, उसने वहां अतिक्रमण कर लिया, कार खड़ी कर ली, मैं क्यों नहीं। अब आप सोचिए, घर सबके एक जैसे होंगे तो इंसान भी एक जैसे होंगे। यानी ये सारे भाईचारे और प्रेम से वसुदेव कुटुंबकम से रहते थे। ग्रिड प्रणाली पर बटा हुआ नगर था, जिसे शतरंज प्रणाली भी कहते हैं। सुनियोजित सुव्यवस्थित नगर था, सुनियोजित सुव्यवस्थित नगर था। नगर था क्या? सारे नगर सुनियोजित सुव्यवस्थित थे। मुख्य सड़क की ओर दरवाजा खिड़की रोशनदान नहीं खुलता था। मुख्य सड़क की ओर कोई भी दरवाजा खिड़की रोशनदान नहीं खुलता था। मुख्य सड़क की ओर कोई भी दरवाजा खिड़की रोशनदान नहीं खुलता था। नोट डालो, यहां फिर से गलती कर सकते हो आप, नोट डालो। लोथल को छोड़कर, देखिए लोथल में ऐसा नहीं है कि मेन रोड की तरफ दरवाजे खिड़की रोशनदान नहीं खुलते थे, लोथल में खुलते थे, लेकिन बाकी सारे नगरों में मुख्य सड़क की ओर दरवाजा खिड़की रोशनदान नहीं खुलते थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो। ये लोग सड़कें सेल खड़ी मिट्टी से बनाते थे। सेल खड़ी मिट्टी, जिसे मृत मिट्टी या खड़िया मिट्टी या मरी हुई मिट्टी कहते हैं, जिसके अंदर से मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, जिससे अक्सर कुम्हार बर्तन बनाता है, उस मिट्टी से ये सड़कें बनाते थे कंक्रीट डाल के। आज भी सड़कें 3,500 साल खत्म हो चुके, सड़कें खत्म नहीं हुई, यहाँ डम्बर की 1 साल सड़कें नहीं टिकती। सोचने वाली बात, विचारणीय है। मुख्य सड़क की ओर दरवाजा खिड़की रोशनदान नहीं खुलता था, सेल खड़ी मिट्टी से सड़कें बनाते थे। लिखिए, सफाई और स्वच्छता के मामले में सैंधव नगर सबसे आगे थे। सफाई और स्वच्छता के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर सबसे आगे थे। सफाई और स्वच्छता के मामले में स्वच्छ भारत मिशन तो इन्होंने चला रखा था। आजकल हम शहरों में सीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने 3,500 साल पहले सीवरेज का इस्तेमाल कर लिया था। लिख लो, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान भले कच्ची ईंटों से बने हों, मकानों में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे। ये मकानों की दीवारें बनाते थे किससे? कच्ची ईंटों से, धूप में सुखाई ईंटों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मकानों की दीवारें ईंटों से, कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी तो दीवारें और घर कमजोर या फिर साधारण थे, नहीं। उस पर जिप्सम का प्लास्टर होता था, पीओपी चढ़ाते थे। मैं तो कभी मानता ही नहीं हूं कि जिप्सम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस होना चाहिए, ये तो पीओआई होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में इससे निकला है ये। तो चोटे गोरे हैं ना, 190 साल तक हिंदुस्तान को लूटते रहे और यहाँ का ज्ञान, यहाँ की सारी सामग्री ले जाके खुद का लेबल लगा के हमको ही चिपका दिया और कह दिया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, माई फुट पीओआई है। पीओपी का, जिप्सम का प्लास्टर करते थे। नालियां ईंटों, पकी ईंटों से बनाते थे। तो ऐसा नहीं है कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे। पकी ईंटों का इस्तेमाल सैंधव निवासी किसमें करते थे? नालियों में। नालियों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था, नालियों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था और उन्हें ढका भी जाता था। ऐसा नहीं है कि नालियां खुली छोड़ते थे, उनको ढक के रखते थे। आजकल नालियों के पानी का इस्तेमाल, ऐसा नहीं है कि नालियों के पानी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, खाद तो ऑलरेडी मिली हुई है। ये नालियों के पानी, सीवरेज के पानी का भी इस्तेमाल करते थे। आज भी हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा नगर होगा जिसमें शहर के गंदे पानी का इस्तेमाल होता हो, रोड पे घूमता है, सड़कों पे घूमता है, लेकिन कोई यूज नहीं होता, टोटल वेस्ट।
उस पानी से अगर खेती की जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हाँ जयपुर में उगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जयपुर में उगाते हैं, और अच्छी बात भी है भाई, शहर का खाद तो उसमें मिला हुआ है ही ऑलरेडी। सब्जियों को और फसलों को जो है स्वच्छ पानी, मिनरल वाटर की जरूरत नहीं होती, और फसलें जल जाती हैं, गंदा पानी जरूर चाहिए। शहर का गंदा पानी जिसमें खाद तो है ही है, मिला दो उगेगा। मैंने भी सुना है जयपुर में अमान शाह नाले से सब्जियां उगाई जाती है, बहुत अच्छी सोच है ये, होनी भी चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए ये लोग कितने आगे थे और हम कहां रह गए। हाँ मैं ये कह रहा था, सफाई और स्वच्छता के मामले में ये नगर आगे था। देखिए ऐसा नहीं है कि नालियां जो है पकी ईंटों से थी, एक स्थल ऐसा भी है जहां नालियां लकड़ी की थी। नोट डाल दो, कालीबंगा में लकड़ी की नालियां थी। अब ये सारी जॉइंट विशेषताएं सामने आ रही है कि नहीं आ रही है? लकड़ी की नालियां, कालीबंगा में लकड़ी की नालियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है चलो, तो मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषताएं एक साथ मैंने सारी समझा दी। ठीक है, अब मोहनजोदाड़ो की अन्य विशेषताएं, अन्य विशेषताएं जो दूसरे स्थलों से अलग है वो देख लेते हैं। ठीक है, अन्य विशेषताएं वो हम देखेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। आप भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, कल थोड़ी इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी ब्रेक के बीच में, इस कारण से थोड़ा समस्या हो गई थी। ठीक है, इसलिए क्लास ओवर करनी पड़ी। उम्मीद करते हैं आज तो कोई इंटरनेट की समस्या आएगी नहीं, तकनीकी के भरोसे कभी कभार हो जाता है। ठीक है, तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद में हम मोहनजोदाड़ो की अन्य विशेषताएं देखते हैं जो दूसरे स्थलों से काफी अलग है। तो मिलते हैं 2 मिनट, भले आप अपना मोबाइल डेटा बचाना चाहते हो तो पॉज कर लो वीडियो को। ठीक है, मिलता हूं 2 मिनट बाद।
चलिए 2 मिनट का ब्रेक समाप्त, और बहुत अच्छा लगा कि आप में से अधिकांश लोग यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो की और विशेषताएं हम देखते हैं जो इससे काफी अलग है। उसमें सबसे पहला वृहद स्नानागार, अ ग्रेट बाथ, बाथ। देखिए, नगर के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा सा बाथरूम मिला है, बहुत बड़ा सा स्नानागार मिला है, जो मोहनजोदड़ो की ही नहीं पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे शानदार इमारतों में से एक है। मैं बात कर रहा हूं 3,500 साल पहले के स्नानागार की। यह स्नानागार आयताकार है, वर्ताकार नहीं, आयताकार है। इसकी पहली विशेषता है ये आयताकार स्नानागार है और ये पकी हुई ईंटों से बना है, पकी ईंटों से बना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 ऐसी चीजें हैं जो पकी हुई ईंटों से बनाई गई हैं। एक तो है नालियां और दूसरा है स्नानागार, जो पकी हुई ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, इस स्नानागार के अंदर आप नोटिस करेंगे तो एक तो यहां पर और एक यहां पर 2 इसके गेट हैं, 2 मार्ग हैं, और यहां से थोड़ी सी ढलान है और ये ढलान इधर जाके खत्म हो रही है। ठीक है, मार्ग है इस तरह से। तो इस पर जो रिसर्च करने वाले पुरातत्व विज्ञानी हैं, सबसे पहले यहां पर आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने काम किया था आरडी बनर्जी ने, और बनर्जी के बाद में प्रोफेसर मार्शल ने यहां पर काम किया था, सर जॉन मार्शल ने, और उसके बाद में मार्टिमन व्हीलर ने काम किया था, और उसके बाद में माधव स्वरूप वत्स ने काम किया था। प्रोफेसर वत्स कहते हैं स्नानागार के बारे में, जब 1928 के आसपास जब उन्होंने रिसर्च किया था, तब प्रोफेसर वत्स कहते हैं कि स्नानागार के बीच में एक 7 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार कुआं भी मिला जिसकी घुमावदार सीढ़ियां हैं। ठीक है, इस स्नानागार के इस साइड में कुछ छोटे छोटे बाथरूम्स बने हुए हैं जो साधारण हैं, ईंटों के हैं, खुली नालियों वाले हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां इस दिशा की ओर नॉर्थ साइड में जो है वह छोटे छोटे बाथरूम बने हुए हैं। वो बाथरूम जो है वह सिंगल सिंगल है, बाथरूम खुले हैं, कोई भी तरह का प्लास्टर नहीं है, खुली ईंटें हैं, नालियां भी खुली हैं। इन 3 दिशाओं की तरफ जो बाथरूम बने हुए हैं वो बाथरूम सारे के सारे स्टैंडर्ड बाथरूम हैं, डबल मंजिल वाले बाथरूम हैं, और इन सारे बाथरूम्स की नालियां ढकी हुई हैं, नालियां ढकी हुई हैं, कंप्लीट ढकी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ उन पर बढ़िया शानदार वाला जिप्सम का प्लास्टर कर रखा है। अब सबसे पहली बात तो उठ के आती है ये कि इतना बड़ा बाथरूम किसी एक स्थान पर होना किस चीज का इशारा है। ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो सवाल पूछे जाते हैं वो एनालिसिस पूछी जाती है, व्याख्याएं पूछी जाती है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, कथन कारण की व्याख्या कीजिए। तो बता दूं, पहली बात तो इतना बड़ा स्नानागार क्या उछल उछल के नहाते थे? नहीं। तो हिंदू रीति के अनुसार, हिंदू धर्म में किसी बड़े धार्मिक आयोजन से पहले जो स्नान का महत्व है उस चीज का साफ ये इशारा है। भाई, कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता है खुशी का या मृत्यु का, तो उससे पहले एक साथ सामूहिक स्नान करते हैं ना, उससे रिलेटेड हो सकता है एक सिटी के अंदर इतना बड़ा बाथरूम होना। साथ ही साथ इधर बहुत अच्छे स्टैंडर्ड बाथरूम 3 किनारों की तरफ,
और इधर साधारण बाथरूम, इधर वाले बाथरूम सारी अंडरग्राउंड नालियां जिप्सम का प्लास्टर है, इधर खुले बाथरूम है, नालियां खुली हुई हैं, तो क्या मतलब है? ये लेडी के लिए, ये लेडो के लिए, घर पे जाके मार थोड़ी खानी है। देखो बता दूं आपके नॉलेज के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आईवीसी की लैंग्वेज लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अपठित है। जब तक लिपि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता में यही हुआ था। ठीक है, सिर्फ इन पुरातत्व सामग्री से अनुमान लगा सकते हैं। साधारण बाथरूम, अच्छे बाथरूम होना साफ साफ जातियों की तरफ इशारा करता है, जातिवाद साफ दिखाई दे रहा है, वर्गगत भेदभाव साफ दिखाई दे रहा है। ये लोअर कैटेगरीज के लिए या उच्च कैटेगरीज के लिए हो सकता है, समझ गए? बाकी स्ट्रक्चर वाइज ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एनालिसिस वाले सवाल पूछते हैं, इस कारण से हम इसी स्टाइल से लिखेंगे। लिखिए, अ ग्रेट बाथ वृहद स्नानागार, वृहद स्नानागार। लिखिए, प्रोफेसर वत्स ने इसे प्राचीन भारत का पुष्कर कहा है, प्राचीन भारत का पुष्कर। प्राचीन भारत का पुष्कर कहा है, सवाल बन सकता है। प्रोफेसर डीडी कोशांबी ने, खैर इतना पुरातत्व विज्ञानियों के नाम लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख लो, टिका दो, प्राचीन भारत का पुष्कर तथा कमल ताल कहां है, कमल ताल। तो सवाल बन सकता है, कमल ताल या प्राचीन भारत का पुष्कर किसे कहा गया है? मोहनजोदाड़ो में बने वृहद स्नानागार को। ठीक है, लिखिए, किसी बड़े धार्मिक आयोजन से पहले, किसी बड़े धार्मिक आयोजन से पहले हिंदू धर्म की परंपरा स्नान का महत्व किसी बड़े धार्मिक आयोजन से पहले हिंदू धर्म की मान्यता स्नान का महत्व इस स्नानागार से साबित होता है। साबित होता है। नेक्स्ट, इस स्नानागार में छोटे बड़े और साधारण अच्छे बाथरूम होना, छोटे और बड़े साधारण बाथरूम होना, साधारण स्नानागार होना जातिगत या वर्गगत भेदभाव का साफ इशारा है, जातिगत या वर्गगत भेदभाव का साफ इशारा है। देखिए, जब तक हम लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे आईवीसी की, तब तक हम पुख्ता रूप से कुछ नहीं कह पाएंगे कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सिस्टम था। यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, रिलीजियस बात बारे में बात जरूर कर सकते हैं हम, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जरूर बात कर सकते हैं यहाँ की एविडेंस के बारे में, लेकिन यहाँ का राजनीतिक सिस्टम कैसा था, जब तक लैंग्वेज पढ़ी नहीं जाएगी तब तक हम पुख्ता रूप से कुछ भी नहीं बता सकते। चलिए, स्नानागार में और भी बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन फिलहाल हम इतना ही स्नानागार को देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है वृहद अन्नागार, अन्नागार, अ ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी, अन्नागार।
देखिए नगर के मध्य में एक बहुत बड़ा सा अन्नागार मिला है, बहुत बड़ा सा अन्नागार मिला है, ठीक है, ग्रेनरी मिली है, अनाज स्टोरेज रखने का एक अन्नागार मिला है। ये 157 फिट लंबा है और करीब 54 फिट चौड़ा है। इसका 1/4 हिस्सा जमीन के बाहर है और इसका 3/4 हिस्सा जमीन के अंदर है। एक चबूतरे पर बनाया गया है, बाकी सारा अंदर पोर्शन है। इसके अंदर 27 प्रकोष्ठ हैं, 27 खाने हैं, 27 प्रकोष्ठ हैं। इस प्रकार से खाने बने हुए हैं। जैसे एक अलमीरा के अंदर खाने कैसे बने होते हैं, वैसे 27 खाने बने हुए हैं। जैसे ये स्टोरेज रखने का, ये स्टोरेज, ऐसे 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 ऐसे। अलमारी में खाने कैसे होते हैं, वैसे। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें पहुंचने के लिए सीढ़ी भी रही होगी। ये मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद पुरातत्व विभाग से हूं। सीढ़ी तो वक्त के साथ शायद खत्म हो चुकी होगी, मिली नहीं है, क्योंकि अंदर पहुंचने के लिए सीढ़ी तो चाहिए। अलग अलग खाने हैं 27, इसका मतलब अलग अलग फ्लेवर का अनाज भी इकट्ठा करते होंगे, गेहूं, चावल, जौ, ग्वार, बाजरा, समथिंग। अब ये बात सोचिए, यहां दिमाग पे जोर डालिए कि इतना बड़ा अन्नागार एक सिटी में कर क्या रहा है। क्या कुंभकर्ण घटोत्कच थे सारे? नहीं, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बनाया गया था, इमरजेंसी के लिए। देखिए फिल्म समाज का आईना होती है, ठीक बात है, लेकिन फिल्में ही सच्ची घटना पर आधारित हो यह जरूरी नहीं। जैसा फिल्म के अंदर जो प्रधान माहम वो सिंगड़े वाला बताया गया, ठीक है, वैसे क्रूर राजा नहीं थे। पुरातत्व विभाग का मानना है कि यहां के राजा जो भी रहे हो, राजा रहे हो, पुरोहित रहे हो, जो भी रहे हो, जो यहां के हुक्मरान हैं, वे बड़े लोकप्रिय थे, जनप्रिय नेता थे। इसलिए तो जनता के लिए इन्होंने इतना बड़ा ग्रेनरी बनाया। तीसरी बात, अब ये अनाज यहां कैसे आया, सोचने वाली बात। क्या वहां के राजा की लुगाई तो खेतों में जाके इकट्ठा नहीं करती होगी कर के रूप में? तो कर प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है ये ग्रेनरी। देखिए भारत का जो करेंसी सिस्टम है वो स्टार्ट में क्या था, वस्तु के बदले में वस्तु। तो सबसे पहली मुद्रा क्या हुई, करेंसी क्या हुई, वस्तु। किसी को एक बोरी अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, तो एक बोरी चावल दे दो बीच में से, है ना। तो ये कर के रूप में एकत्रित किया जाता होगा। हेडिंग डालिए, अ ग्रेट ग्रेनरी वृहद अन्नागार। ऐसी चीजें खोद के निकालनी पड़ती है, मिलती नहीं है किताब। रिफ्रेश करो शुभम, धुंधला नहीं दिखेगा। लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत वृहद अन्नागार है। बहुत सारे लोग यहां बेवकूफी करते हैं, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत वृहद स्नानागार को मानते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है पूछा जाए तो वृहद अन्नागार है, न कि स्नानागार। सबसे बड़ी इमारत वृहद अन्नागार है, न कि वृहद स्नानागार। नेक्स्ट लाइन में लिखिए,
नगर के मध्य यह अन्नागार शायद आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बनाया गया था। नगर के मध्य यह अन्नागार शायद आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बनाया गया था। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बनाया गया था। वहां का शासक वर्ग बड़ा ही लोकप्रिय रहा होगा। वहां का शासक वर्ग बड़ा ही लोकप्रिय रहा होगा लोकप्रिय रहा होगा लोकप्रिय रहा होगा। नेक्स्ट, अनाज कर के रूप में लिया जाता होगा। अनाज कर के रूप में लिया जाता होगा, टैक्स के रूप में लिया जाता होगा। यहां पे शब्द में क्या यूज कर रहा हूं, होगा, नॉट कंफर्म। सिंधु घाटी सभ्यता में सब अनुमान से चलता है। अनाज कर के रूप में एकत्रित किया जाता होगा। कर को अच्छे से अंडरलाइन करो क्योंकि एकमात्र एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता में टैक्सेशन का, कर का। ठीक है साहब, चलो अन्नागार से बाहर निकलकर हम एक और इमारत पर चर्चा करते हैं और वो इमारत है आपकी पुरोहित आवास, हाउस ऑफ प्रिस्ट। देखिए, ये पुरोहित आवास सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे हाइट पे बनी हुई इमारत है जिसमें 7 मंजिल की है ये इमारत। कमरे तो मैंने बोल दिया, 14 कमरे हैं, 7 मंजिल हैं, 7 फ्लोर के हैं। शायद हो सकता और भी कमरे रहे हों लेकिन टूट गए हों। इस पुरोहित आवास की विशेषता मैं आपको बताऊं तो ये 14 कमरों वाली है, 7 फ्लोर हैं इसके अलग अलग, ठीक है। इस पुरोहित आवास, इसको पुरोहित आवास इसलिए कहा जाता है, वैसे ये उच्च नगर में है, निम्न नगर में नहीं, निचले नगर में नहीं, उच्च नगर में है। इसको पुरोहित आवास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक मिला है पुजारी के सिर की आकृति, पुजारी के सिर की आकृति। आप जनरली जितनी भी इतिहास की किताबें देखोगे प्राचीन भारत की तो उसके कवर पेज पर आपको वो फोटो मिलेगा। सबने कवर पेज पर उस पुजारी के सिर की आकृति का ही फोटो लगा रखा है। एक दाढ़ी वाला बाबा है जिसका हेड खाली मिला है यहां तक, ठीक है। पुजारी के सिर की आकृति यहां से मिलती है तो पुरातत्व विभाग ने अनुमान लगाया कि हो ना हो वहां पर कोई जो मुख्य व्यक्ति था वह पुजारी रहा होगा, क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड मकान किसका है, पुजारी का, हाउस ऑफ प्रिस्ट, ठीक है। और उसके अंदर आकृति किसकी मिली है, पुजारी के सिर का मूर्ति मिली है। साथ ही साथ यहां पर एक देवी की मूर्ति मिली है, इसी के अंदर देवी की मूर्ति जो हिरण पर बैठी हुई है, हिरण पर। अब उसको देवी की मूर्ति क्यों माना गया, क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा, इस मूर्ति के नीचे पैरों की साइड में कुछ धूप बत्ती के निशान हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इसका पूजा पाठ किया गया था। तो हिरण पर बैठी हुई देवी की मूर्ति और उसी के घर के अंदर पुजारी के सिर की आकृति, इसका मतलब ये पुजारी इस देवी को पूजता होगा और ये हो ना हो वहां के पुरोहित का आवास रहा होगा। और सबसे स्टैंडर्ड मकान है, इसका मतलब यहां पर जो भी शासक वर्ग रहा होगा वह कोई ना कोई पुरोहित रहा होगा। तो अगर आपसे
पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे बचकाने अंदाज में वैसे नहीं पूछा जा सकता, राजा या शासक वर्ग कौन था, तो पुरोहित था, शासक वर्ग जो वहां पर शायद हुकूमत उसकी थी, शासन उसका था, राजा जैसा कुछ एविडेंस मिला नहीं है यहां पर। ठीक है, देखो फिल्म में यही बताया गया है जिसमें पुजारी की बेटी हुई पूजा हेगड़े, ओके, वो शर्मन से प्यार कर बैठती है। देखिए ये देवी की मूर्ति हिरण पर, और ये हिरण एक सिंग वाला है, यूनिकॉर्न एक सिंगा, जो शर्मन को ऋतिक रोशन को फिल्म में सपने में आता था, सपने में आता था, है ना, तो उसी आधार पर अनुमान लगाया गया। लिख लो, डोकरा कैसे पूछेगा, मैं एक बार सवाल बनाऊंगा तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। हाँ हाँ करवा देंगे, टेंशन मत लो। लिखो पुरोहित आवास, लिखिए एक पुजारी का घर मिला है जिसे पुरोहित आवास भी कहा जाता है, एक पुजारी का घर मिला है जिसे पुरोहित आवास भी कहा जाता है। इसी आवास में एक पुजारी के सिर की आकृति मिली है, पुजारी के सिर की आकृति मिली है, तथा हिरण पर बैठी एक देवी की मूर्ति मिली है जिसको फिल्म में सिंधु मां बताया गया था। हिरण पर बैठी एक देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। पुरोहित आवास के बाद में एक और इमारत देख लेते हैं, और वो है सभा भवन, कॉन्फ्रेंस हॉल। देखिए नगर के बीचों बीच एक आयताकार इमारत मिली है, आयताकार इमारत है जो 27 मीटर चौड़ी है, सॉरी 27 फीट चौड़ी और 27 फीट ही लंबी है, वर्गाकार इमारत है। इस वर्गाकार इमारत की विशेषता मैं बताने जाऊं आपको, तो इसके भी दो प्रवेश द्वार हैं, समझ लीजिए इन और एग्जिट। इस इमारत, इस वर्गाकार इमारत के जस्ट सामने एक चबूतरा बना हुआ है 5 मीटर लंबा और 1.5 फीट ऊंचा, सामने एक चबूतरा है, और उस चबूतरे के सामने छोटे छोटे और चबूतरे बने हुए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे चबूतरे बने हुए हैं, ठीक है, मैं फटाफट में बना लेता हूं, आप समझ जाओगे चबूतरे बने हुए, मैं सिंगल सिंगल लाइन से चबूतरे पूरे नहीं डेकोरेट कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से, ओके। इसके तीन दिशा की ओर इस तरह से कुछ पट्टियां बनी हुई है, खपच्चियां बनी हुई हैं, पट्टियां लगी हुई है, और इस चबूतरे की जो छत है ना, वो छत चारों तरफ से खुली हुई है, जो 6 पिलर पर खड़ी हुई है, 6 पिलर पर खड़ी हुई है और छत खुली हुई है। ये छत बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने पेट्रोल पंप पर अक्सर देखी होगी, पेट्रोल पंप पे छत होती है ना, वैसी छत है। अब ये क्या चीज है, प्रोफेसर माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि ये सभा भवन है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर कोई राजा वर्ग का कोई व्यक्ति रहा होगा या पुरोहित
वो बैठता होगा और सामने उसके मंत्री बैठते होंगे, कॉन्फ्रेंस चलती होगी और ये जो है उनके लाल बत्ती की गाड़ियां पार्किंग करने का एरिया, पार्किंग उनकी बैल गाड़ियां वगैरह जो भी, ठीक है। वहीं पर इसी सभा भवन को प्रोफेसर व्हीलर, मार्टिमन व्हीलर, वो कहते हैं कि ये शॉपिंग मॉल है। अब इसको शॉपिंग मॉल, सेलिब्रेशन मॉल, लेक सिटी मॉल माने तो क्या मतलब हुआ? ये तो हुआ वहां का स्टेज और यहां पर ये छोटी छोटी दुकानें लगती होगी चबूतरों पर और यहां पर आकर आप जैसी मैडम जी अपनी स्कूटियां पार्क करती होगी, समझ गए? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की चौथी सबसे शानदार इमारत लिखिए। अब आप सोचिए कितना स्टैंडर्ड था, कितना डेवलपमेंट था। फिर भी लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान तो मूर्खों का देश था, ये है वो है। जो कहने वाले हैं ना उनको कान पकड़ के ये चीजें दिखाना कि कैसा था हमारा हिंदुस्तान। लिखिए सभा भवन या शॉपिंग मॉल, सभा भवन या शॉपिंग मॉल। लिखिए मोहनजोदड़ो में प्रोफेसर वत्स के अनुसार सभा भवन मिला है, जबकि प्रोफेसर व्हीलर के हिसाब से शॉपिंग मॉल है। प्रोफेसर वत्स के हिसाब से सभा भवन है और प्रोफेसर व्हीलर के अकॉर्डिंग शॉपिंग मॉल है। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मोहनजोदड़ो की कुछ और चीजें। योगी राज की मोहर, की मोहर, एक होता है मोहर, मोहर, और एक होता है मुहर। मोहर का मतलब होता है सिक्का और मुहर का मतलब होता है सील्स, ठप्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे नहीं मिलती, मुहरे मिलती है, मुहरे, ठीक है। योगी राज की मोहर, ध्यान से सुनना, इस मोहर को अगर आप समझ पाए तो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन आपको समझ में आ जाएगा और अगर नहीं समझ पाए तो शायद आपको भविष्य में यहां की धर्म व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। देखिए मोहनजोदड़ो से एक सिक्का मिला है, सॉरी एक मोहर मिला है, एक सील्स मिली है जो पांच कोनों वाली है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी मोहरें हैं वो पांच कोनों वाली ही हैं, सबके पांच कोने हैं। इस मोहर के अंदर एक योगी बैठा है, योगी बैठा है पालथी मारकर, पालथी मारकर एक योगी बैठा है पैर सिकोड़कर योग मुद्रा में। इस योगी के सिर के ऊपर
इस प्रकार से एक आकृति बनी हुई है, इसके इस दिशा की ओर एक पशु है, एक दिशा की ओर ये पशु है, यहां पे पशु है, यहां पे एक एनिमल है, यहां पर भी एक एनिमल है, और नीचे सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे हम कभी रीड न तो कर पाएंगे और शायद असंभव ही रहेगा कि ये क्या लिखा है। ठीक है, योगी राज की मोहर सील ठप्पा। वैसे मोहनजोदड़ो से और भी मोहरें मिली हैं, उन मोहरों पर वो भी पांच कोने वाली मोहरें हैं जो भारी मात्रा में मिली हैं और जिस पर एक सिंगा बना हुआ है, एक सिंग वाला हिरण मिला है। ठीक है, देखें इस मोहर की मैं बात करूं तो ये वाली जो आकृति है, प्रोफेसर वत्स कहते हैं कि ये त्रिनेत्र है और प्रोफेसर मजूमदार कहते हैं कि ये त्रिशूल है और फिल्म का डायरेक्टर कहता है प्रधान माहम का मुकुट है। ठीक है, इसी आधार पर, इसी मोहर के आधार पर उसने वो फिल्म की कल्पना की, वो राजा बनाने की। पांच कोनों में पांच पशु है और कोई योगी बैठा है पालथी मार के। पुरातत्व विभाग कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा में इस प्रकार की ये मोहर मिलना, अर्थात ये लोग त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी योगीराज पशुपतिनाथ भगवान शिव को पूजते थे। दैट्स क्लियर। लेकिन कुछ पुरातत्ववेत्ता जैन समाज से भी बिलोंग करते थे, उन पुरातत्व विज्ञानियों ने कहा कि इससे कैसे साबित होता है कि ये भगवान शिव ही थे, हमारे आदिनाथ ऋषभदेव जी वो भी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी योगीराज पशुपतिनाथ है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जैन धर्म भी तो हो सकता है। सभी धर्म अपने अपने को, अपने अपने धर्मों को हजारों साल से जोड़ते हैं, सभी धर्मों की आदत है। अब इससे बहुत सारे धर्म इसको प्रूव करते नहीं की कोशिश करते रहते हैं और करने के चक्कर में आपस में सांप्रदायिक दंगे कर बैठते हैं। यही तो हो रहा है हिंदुस्तान में वर्तमान। एक धर्म कहता है कि हम हजारों सालों से इस धरती पर राज करते आए, दूसरा धर्म भी कहता है हम करोड़ों साल से राज करते आए हैं, सबसे पहला हमारा धर्म था, सबसे पहला हमारा धर्म था, यही तो देश में चल रहा है। ठीक है, और इसी को सॉल्व करने की कोशिशें हम जैसे पुरातत्व विज्ञानी करने की कोशिशें करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यह भी बात सत्य है कि ऋषभदेव जी भी तो हो सकते हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल, ध्यान दीजिएगा, सारे स्थल एक स्थल कालीबंगा छोड़कर सारे स्थलों से भारी मात्रा में छोटे बड़े शिवलिंग मिले हैं। नाखून की साइज के भी शिवलिंग हैं, कोई बड़े बड़े शिवलिंग भी हैं, ऊंचे ऊंचे शिवलिंग भी हैं। कुछ पुरातत्व विज्ञानी कहते हैं ये छप्पर खड़े करने के स्टैंड हैं। तो सारे स्थलों से भारी मात्रा में शिवलिंग मिलना, मोहनजोदड़ो से योगीराज की मोहर मिलना साफ इशारा है कि सैंधव निवासी भगवान शिव को पूजते थे। दैट्स क्रिस्टल क्लियर। ठीक, वन सेकेंड, एक बात यहां पर और करनी है मुझे। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सारे स्थलों से कालीबंगा को छोड़कर सारे स्थलों से भारी मात्रा में नारी की मूर्तियां मिली हैं और नारियों की मुहरें मिली हैं भारी मात्रा में।
इसका मतलब वे लोग नारी शक्ति को पूजते थे, अर्थात वे शिव और शक्ति को पूजते थे। इसका मतलब उनका धर्म शाक्त धर्म था। ठीक है, वन सेकेंड। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, ये कहते हैं, अभी भी डिस्कशन चल रहा है कि यहां के सैंधव निवासी के जो आदि मानव हैं वो वर्तमान में जो आदिवासी हैं वो थे, और विदेशी आर्यों ने उन पर आक्रमण करके उनको यहां से भगा दिया या फिर उनकी राज्य छीन लिया, वो यहां के मूल निवासी हैं। बता दूं आपके नॉलेज के लिए, वर्तमान में शाक्त धर्म जो है साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में, और वर्तमान में जो हिंदू धर्म चल रहा है वो वैष्णव धर्म है। विष्णु के पूजक है, और साउथ इंडिया में शैव धर्म का बोलबाला है। मैक्सिमम पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो निवासी निवास करते थे वो वर्तमान में दक्षिण भारत में है, उन्हें द्राविडियन कहा जाता है। आप देखिए, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से किसी भी एंगल से रंग रूप भाषा धर्म के आधार पर मैच नहीं करता, पूरी तरह से अलग है। तो ऐसा नहीं है कि यहां का मूल मानव वही यहां पर पहले रहता था, वो तो पहले भी यही रहता था, आज भी वही रहता है। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो वर्तमान में द्राविडियन है जो साउथ इंडिया में रहते हैं। और इसको मैं वैसे भी वैदिक काल में प्रूव करूंगा अच्छे से कि किस प्रकार से मैंने ये क्यों कहा था। ठीक है, देखिए यहां पर दो बातें निकल के सामने आई। पहली बात तो यहां सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था, यानी शाक्त धर्म था जो वर्तमान में दक्षिण भारत में है। दूसरी बात निकल के सामने आई कि ये पूरा का पूरा समाज नारी प्रधान समाज था, स्त्री प्रधान समाज था, क्योंकि भारी मात्रा में नारी मूर्तियां और उनकी मुहरें प्राप्त हुई सिर्फ कालीबंगा को छोड़कर। यानी कालीबंगा के निवासी किसी न किसी धर्म को पूजते तो थे, लेकिन किस धर्म को पूजते थे ये अभी तक इसकी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है। चलिए लिखें, योगी राज की मोहर, योगी राज की मोहर या योगी राज का सिक्का, लिखिए, सिंधु मोहनजोदाड़ो में योगीराज का सिक्का, सॉरी मोहर मिली है, सील्स मिली है, इस मोहर पर इस मोहर पर कोई पालथी मारकर योगी बैठा है। हाँ, डेली होती है क्लास संजू जी चौधरी, इससे पहले राजस्थान हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिस पर पालथी मारकर कोई योगी बैठा है। 4 बजे तक होती है डेली क्लास, पालथी मारकर कोई योगी बैठा है, जिस पर 5 पशु बने हुए हैं, लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं जहां से भारी मात्रा में छोटे बड़े शिवलिंग मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं जहां भारी मात्रा में
छोटे बड़े शिवलिंग मिले हैं। नोट डालिए, कालीबंगा में नहीं, कालीबंगा में नहीं, कालीबंगा में नहीं मिले हैं। छोटे बड़े शिवलिंग मिले हैं। नेक्स्ट लाइन, लगभग सारे स्थलों में से भारी मात्रा में नारी की मूर्तियां और मोहरे मिली हैं। भारी मात्रा में नारी की मूर्तियां और मोहरे मिली हैं, नारी मूर्तियां और मोहरे मिली हैं। देखिए, किताबों में डायरेक्ट लिखा गया, मैं फैक्ट्स के साथ में एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको। भारी मात्रा में नारी की मूर्तियां और मोहरे मिली हैं, अर्थात, नोट डालिए, अर्थात कालीबंगा को छोड़कर सारे सिंधु निवासी, कालीबंगा को छोड़कर सारे सिंधु निवासी भगवान शिव और शक्ति को पूजते थे, भगवान शिव और शक्ति को पूजते थे। कालीबंगा को छोड़कर सारे सिंधु निवासी भगवान शिव और शक्ति को पूजते थे, भगवान शिव और शक्ति को पूजते थे। अर्थात इनका धर्म शाक्त धर्म था, अर्थात इनका धर्म शाक्त धर्म था, शाक्त धर्म था। जो वर्तमान में दक्षिण भारत में द्राविड़, द्राविडियंस ने अपना रखा है, वर्तमान में दक्षिण भारत में द्राविडियंस ने अपना रखा है। एक और नीचे लाइन ऐड कीजिए, एक लाइन और ऐड कीजिए नीचे, एक लाइन और ऐड कीजिए नीचे। लिखिए, सैंधव समाज, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज सैंधव समाज, इंडस सोसाइटी, नारी प्रधान, नारी प्रधान, स्त्री प्रधान या नारी प्रधान या मातृसत्तात्मक समाज था। स्त्रियों को प्रायोरिटी दी जाती थी। और वैसे भी आज भी द्राविडियंस के अंदर साउथ में औरतों को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, औरतों को, नारी शक्ति को, मात्र सत्तात्मक समाज था। आगे लिखें, आगे लिखें, आगे लिखें, और कुछ चीजें मोहनजोदड़ो से जुड़ी हुई लिखिए। सर्वाधिक मोहरे यानी सिल्स, मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। घोड़े का खिलौना मोहनजोदड़ो से मिला, घोड़े का खिलौना मत करो, चित्र कर दो, घोड़े का चित्र बर्तनों पर मोहनजोदड़ो से मिला। गीली मिट्टी पर कपड़े के प्रमाण मिले, गीली मिट्टी पर कपड़े के प्रमाण मिले, मतलब किसी ने गीली मिट्टी रखी होगी, उस पर कपड़ा रखा। वक्त के साथ कपड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन कपड़ा अपने निशान छोड़ गया। जैसे सीमेंट का कट्टा होता ना, तो सीमेंट का कट्टा फट जाता है, लेकिन वो बोरा जो है अपने निशान छोड़ जाता है। गीली मिट्टी पर कपड़े के प्रमाण मिले हैं यहां से। सर्वाधिक कंकाल मिले हैं, सर्वाधिक कंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो से, लाशें ही लाशें, कंकाल ही कंकाल मिले हैं यहां से, इसलिए तो इसको मोहनजोदड़ो कहा जाता है, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। सर्वाधिक कंकाल मिले हैं, कंकाल
एक लास्ट लाइन मोहनजोदड़ो के बारे में लिख लीजिए। इन्हीं कंकालों से यह पता चलता है, इन्हीं कंकालों से यह पता चलता है कि यह स्थल किसी महामारी या भयंकर बीमारी से नष्ट हुआ था, किसी महामारी या महामारी या भयंकर बीमारी से नष्ट हुआ था। नाम भी तो क्या लगा रहा है, महामारी या भयंकर बीमारी से नष्ट हुआ था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का यू समझ लो हमने 70% मैटर अकेले मोहनजोदड़ो से कवर कर लिया। बहुत कुछ चीजें यहां के धर्म के बारे में, यहां की अर्थव्यवस्था के बारे में, सारी चीजें। बाकी स्थलों से इतनी हमें पुरातत्व सामग्री नहीं मिलती। लाइक हड़प्पा भी है तो हड़प्पा में भी पुरातत्व सामग्री बहुत अभाव है, क्योंकि हड़प्पा वहां पर पुरातत्व विभाग पहुंचे उससे पहले वहां की लोकल पब्लिक ने उसकी बैंड बजा दी थी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे और बाकी बचे कुचे सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेसेस को हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी आपका पहला दायित्व बनता है इसे शेयर करना अगर अच्छी लगे तो, और दूसरा दायित्व तो बनता है, क्योंकि हौसला अफजाई इसी से होती है। मैंने आपको पहले भी कहा राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाते समय कि आपको कम से कम YouTube पे जो कुछ भी है कचरा और क्रीम होता है उसमें फर्क करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उसका फीडबैक देना चाहिए। ये कचरा मार्केट में इसलिए फैल रहा है क्योंकि आप फीडबैक नहीं देते। जाता क्या, एक उंगली थोड़ी दर्द करती है। लाइक अनलाइक ठोको, कमेंट बोलो, बोलना ही तो है वॉइस नोट ऑन करके, जो ऐसा लगता है वैसा बोलो नीचे किसी भी कमेंट पर, मेरा हो या किसी का भी वीडियो हो, आपको रिप्लाई देना है किसी भी हालत में। इससे क्या है कि मेरे जैसे कुछ व्यक्ति हैं जिसको मोटिवेशन नहीं मिलता है फिर नहीं पढ़ाते। अगर नहीं लगता है आपको कि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए तो पता तो चले कि नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना, तो फीडबैक जरूर देना है। तो आज मैं आपसे विदा ले लेता हूं, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में। और हां, जाने से पहले बता दूं, सैटरडे संडे और मंडे को शायद ब्रेक रह सकता है, मैं आउट ऑफ राजस्थान जा रहा हूं इस कारण से, लेकिन इसकी कंफर्म न्यूज मैं आपको कल दूंगा कि मैं सैटरडे को ब्रेक पे हूं या नहीं हूं, लेकिन आपको फ्री इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। हमारी क्लास का टाइमिंग रहता है 1:15 से 4 बजे के बीच में दिल्ली, मंडे टू सैटरडे। चलिए बाय बाय।